So let's continue. So potential at a point is the measure of the influence of the source charge in the space around it. It can be positive as well as negative depending कि आपको work done जो है वो क्या करना पड़ा होगा. So equation 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ W applied infinity is equal to Q times V, charge times potential. अब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा Q को लाने में. अगर आपको पोटेंशियल पहले ही पता है उस पॉइंट का तो सिंपली Q times V, या फिर इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज U पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट एसोसिएटेड विद चार्ज Q इज Q इंटू V. Remember, this is not total potential energy of the system. This is energy associated with Q at that point. So, Q or potential ka multiplication karna hai. Now, do points ke beech mein potential difference jo hai, wo kiske barabar hoga? Okay, do points ke liye potential difference kiske barabar hoga? Potential difference between two points. अगर आप आपके पास कोई source charge है, आप यहां पर कोई initial point है, यहां पर final point है. Initial point with potential of Vi, final point with potential of Vf. अब इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई जो है वो किसके बराबर होगा, वो जरा देख लेते हैं. रिमेंबर पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. तो ये यूज करके हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जो है वो किसके बराबर है. और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी बार हमें यूज भी करना होगा. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई. सिंपल, वी एफ माइनस वी आई. अब वी एफ और वी आई इन टर्म्स ऑफ वर्क लिखते हैं सिंपली. सो डब्ल्यू अप्लाइड कहां से, इन्फिनिटी से. ओके, इन्फिनिटी से टू पॉइंट एफ, इन्फिनिटी टू पॉइंट एफ पर यूनिट चार्ज. इन्फिनिटी से एफ तक आपको यूनिट चार्ज को, सो पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, दैट पोटेंशियल वी एफ माइनस वी आई. के लिए ऐसे ही डब्ल्यू अप्लाइड इन्फिनिटी टू आई पर यूनिट चार्ज. एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट आई तक लाने में जो वर्क करना पड़ा होगा, दैट पोटेंशियल एट वी आई. सो वही मैंने यूज किया यहां पर. अब वर्क जो आपको करना पड़ रहा है, यू हैव टू डू दैट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो सोर्स चार्ज यहां पर है. अब वो जो सोर्स चार्ज का फील्ड है, दैट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड. तो ये जो वर्क डन है, दैट मस्ट बी पाथ इंडिपेंडेंट. ओके, दैट मस्ट बी पाथ इंडिपेंडेंट. सो यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज कर लेंगे. सपोज दिस इज इन्फिनिटी समवेयर. इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को लाने में टू पॉइंट एफ कितना वर्क आपको करना पड़ा होगा, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एफ इज पोटेंशियल एट एफ. इन्फिनिटी से I तक आपको कितना वर्क करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, वो पोटेंशियल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू I पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो आपका वी आई होगा, पोटेंशियल एट I. अब ये वाला वर्क जो है इन्फिनिटी टू F, ये वाला वर्क, सिंस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, सो व्हाट आई विल डू इज मैं इंस्टेड ऑफ ये पाथ, अगर मैं ये पाथ ले लू, पहले इन्फिनिटी टू I फिर I टू F, तो वर्क डन तो सेम आना चाहिए क्योंकि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट.
because work done is again is the electric field. Electric field is a conservative field. So pehle infinity to I, fir I to F. To wo yahan par main transition kar lunga. So I'll write this as work done by applied force external agency from infinity to I. Pehle infinity to I divided by Q. Fir jaake I to F. So plus kar lenge. W applied from I to F per unit charge. So yahan se yahan, fir yahan se yahan. Kitna work karna hoga? Wo same hoga kya aap directly infinity to F jaye? Kyunki work done is a conservative, work done against the conservative field is path independent. Aur saath mein ye minus W applied infinity to I divided by Q. अब नोट कर लें ये दो तो सेम है तो ये दो कैंसिल आउट होंगे. सो दिस मींस डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन कहां से कहां आई टू एफ. सी अब इन्फिनिटी वाला यहां से रिमूव हुआ अब सीधे आई टू एफ है डिवाइडेड बाय क्यू. सो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is the work that we have to do, we have to, external agency, is the work that we have to do in taking a unit positive charge, remember per unit charge hai, in taking a unit positive charge from I to F. Simple. Agar khali potential ki baat ho rahi hai at a particular point, toh have work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Agar potential difference ki baat chal rahi hai between two points, then it is work done per unit charge in taking a unit charge from I to F. Work done in taking a unit charge from I to F. Okay, so work, yeah, simply hum isko likhenge ab I to F likhne ki zyada zarurat nahi hai. So delta V is equal to work done per unit charge, per unit positive charge. So potential difference PD, potential difference between two points is the work that we have to do in taking a unit positive charge from initial point to the final point. From initial point to the final point. Potential difference between two points is the work that we have to do in taking a unit positive charge from initial point to the final point. Zyada famously, ye equation hamare liye इस फॉर्म में यूजफुल होगी कि वर्क डन बाय यू इज इक्वल क्यू टाइम्स डेल्टा वी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस में डेल्टा वी हमें पता होगा और हमें बताया जाएगा व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो वर्क डन इज इक्वल क्यू टाइम्स डेल्टा वी. ओके, क्यू टाइम्स डेल्टा वी. सो कॉल दिस थ्री इक्वेशन फोर. पोटेंशियल एनर्जी से याद करें. ओके, पोटेंशियल एनर्जी से याद करें. वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो ये ऊपर वाली चीज जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. सो डेल्टा वी कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल एनर्जी वाले सेशन में हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क दैट वी हैव टू डू इन टेकिंग चार्ज क्यू. यहां पर है इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहां पर था इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. सो ऊपर वाली चीज W अप्लाइड जो है वो डेल्टा यू है. सो डेल्टा वी कैन बी रिटन एज डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू. तो वो भी हम लिख सकते हैं, वो मैं यहां पर लिखूंगा. थ्री इंप्लाइज वी कैन राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू.
So potential difference between two points is potential energy difference per unit charge. Per unit charge. अब और एक फॉर्म में मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा. याद करें पोटेंशियल एनर्जी वाले सेशंस में हमने देखा था कि W अप्लाइड जो है दैट इज इक्वल माइनस टाइम्स W वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड, यहां पर बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन कंडीशन थी कि डेल्टा K जो है दैट मस्ट बी इक्वल जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, वो कंडीशन थी. सो इक्वेशन फोर जो है कैन बी रिटन एज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा वी, माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा वी. वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड इज क्यू टाइम्स डेल्टा वी, वर्क डन बाय द फील्ड इज माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा वी, माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा वी. ओके, सो ये भी काफी बार हम यूज कर लेंगे. वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा वी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड इज क्यू टाइम्स डेल्टा वी, और वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा वी, माइनस क्यू टाइम्स डेल्टा वी.